तो हेलो फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में यहाँ पे MIUI 14 के एलिजिबल डिवाइसेस लिस्ट और इन एलिजिबल डिवाइसेस लिस्ट दोनों इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ एक ही वीडियो में। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आपका डिवाइस एलिजिबल डिवाइसेस में आता है तो इस वाले चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से कीजिए। अगर आपका डिवाइस यहाँ पे इन एलिजिबल डिवाइसेस पे आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब आप यहां पे कर भी सकते हैं क्योंकि नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि आपका डिवाइस अब यहां पे ऑलमोस्ट डेड हो चुका है। तो यहां पे पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं एलिजिबल डिवाइसेस लिस्ट और इन एलिजिबल डिवाइसेस लिस्ट के ऊपर। तो वीडियो को शुरू तो हेलो फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में MIUI 14 से रिलेटेड बात करेंगे कि आपके डिवाइस में MIUI 14 का अपडेट देखने के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो फिर यहाँ पे आप अपने डिवाइस में MIUI 14 को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इसकी भी पूरी इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। लेकिन वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना। तो यहाँ पर MIUI 14 लॉन्च होने वाला है 14 डेट को, और इसके ऊपर मैं पूरा आर्टिकल भी लिख चुका हूँ, आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब बात करते हैं MIUI 14 के एलिजिबल डिवाइसेस और इन एलिजिबल डिवाइसेस की लिस्ट की। तो इस वाले आर्टिकल का भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप इसको वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे Xiaomi इज़ गोइंग टू रिलीज़ न्यू MIUI ऑन 14th November 2022। न्यू MIUI वर्जन विल बी MIUI 14 नॉट MIUI 13.5। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वर्जन MIUI 14 होने वाला है, ना कि MIUI 13.5। और यहाँ पे 14 वर्जन में कुछ एप्लीकेशंस को भी रिलीज़ कर दिया गया है, जैसे कि MI मैसेजिंग की एप्लीकेशन 14.0.0.10। लेकिन अभी तक यहाँ पे सर्विसेज एंड फीडबैक का MIUI 14 वर्जन में कोई भी एप्लीकेशन रिलीज़ नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पे पिछला वर्ज़न 13 के लॉन्च से पहले ही रिलीज़ कर दिया था सर्विसेज एंड फीडबैक में, और उसमें हमें ऑफिशियली MIUI 13 का लोगो भी देखने के लिए मिल गया था। तो इस बार मेरे ख्याल से MIUI 14 का सर्विसेज एंड फीडबैक एप्लीकेशन MIUI 14 के लॉन्च के बाद ही हमें देखने के लिए मिलेगा। तो फिर अब यहाँ पे अब बात करते हैं कि इस वाले आर्टिकल में मैंने आपको MIUI 14 के एलिजिबल डिवाइसेस लिस्ट और इन एलिजिबल डिवाइसेस लिस्ट दोनों आर्टिकल्स मैंने मेरे मतलब मैंने यहाँ पे दोनों डिवाइसेस की लिस्ट डाल दिए हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले एलिजिबल डिवाइसेस की लिस्ट की। तो यहाँ पे सबसे पहले Redmi Note 12 सीरीज़, Redmi Note 12, Note 12 Pro, Note 12 Pro Plus, जितने भी डिवाइसेस हैं Note 12 सीरीज़ के सब में MIUI 14 विद Android 13 हमें देखने के लिए मिलने वाला है। और इसके बाद अगला डिवाइस है Redmi Note 11, Note 11 Pro, Note 11 Pro 4G, Note 11 Pro 5G, Note 11 Pro Plus 5G, Note 11 SE और Note 11 Pro 2023। तो यहाँ पे इन डिवाइसेस में, यानी कि पूरी की पूरी Redmi Note 11 सीरीज़ में हमें MIUI 14 के अपडेट्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। Note 11 Pro 2023 यहाँ पे एज अ रीब्रांड डिवाइस है Redmi Note 10 Pro, Note 10 Pro Max का, और यहाँ पे Note 11 SE रीब्रांड डिवाइस है Redmi Note 10s का। इसके बाद अगला डिवाइस Redmi Note 10, Note 10 Pro, Note 10 Pro Max, Note 10s और Note 10T 5G। तो इन डिवाइसेस में भी MIUI 14 के अपडेट्स देखने के लिए मिलेंगे। अगला डिवाइस Redmi 9T 9 Power। तो यहाँ पे Redmi Note 10 सीरीज़ से ही MIUI 14 के अपडेट्स मिलेंगे, Redmi Note 10 सीरीज़ में नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे Redmi 10, Redmi 10C, Redmi 10 Power, Redmi 10 Global, Redmi 10 Prime India, Poco X4 GT, Poco X4 Pro 5G, Poco X3 Pro, Poco M3, M3 Pro, M4, M4 Pro, M5, और इसके बाद Poco X5, Poco M5S, Poco F4, Poco F4 GT, Poco F3 5G, और यहाँ पे Poco F3 GT में भी MIUI 14 देखने के लिए मिलेगा, Poco F5, और यहाँ पे पूरी की पूरी Mi 11 सीरीज़ यहाँ पे जितने भी है Mi 11i, Mi 11x, Mi 11t, Mi 11t Pro, Mi 11x Pro, यहाँ पे जितने भी डिवाइसेस जैसे कि Xiaomi 11i Hypercharge, उसमें भी हमें MIUI 14 के अपडेट्स देखने के लिए मिलेंगे। अगला Xiaomi 12T सीरीज़,
यहाँ पे Xiaomi 12T सीरीज़ ग्लोबल में लॉन्च होने वाली है, उसमें हमें आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 13 मिलेगा ना कि MIUI 14। तो यहाँ पे इस डिवाइस के लिए भी MIUI 14 अपकमिंग डेज में हम देखने के लिए मिलेगा। अगला डिवाइस Xiaomi 12 सीरीज़, इसमें भी MIUI 14 देखने के लिए मिलेगा और इसमें तो हमें चाइना में मेरे हिसाब से 14 नवंबर को ही MIUI 14 चाइना बेटा में और चाइना स्टेबल में रिलीज़ कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल वर्जन एंड्रॉयड 13 का तो यहाँ पे रेडी हो चुका है, लेकिन MIUI 14 की टेस्टिंग अभी तक चल रही है। तो यहाँ पे 14 नवंबर को कुछ डिवाइसेस के लिए MIUI 14 के अपडेट्स को भी रिलीज़ किए जाएंगे। तो अगला डिवाइस Xiaomi 11T सीरीज, Xiaomi Pad 5, Redmi Pad, Redmi K50i, Xiaomi CV, Xiaomi CV 2। तो इन डिवाइसेस में MIUI 14 की अपडेट्स देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपके हिसाब से कोई ऐसा डिवाइस यहाँ पे रह गया है जिसमें MIUI 14 मिलेगा और मैंने इसमें यहाँ पे ऐड अप नहीं किया है, तो वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताना और इस वाले आर्टिकल में भी आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो इस वाले आर्टिकल पे ही कमेंट करके बताना, आर्टिकल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगला है MIUI 14 के इनएलिजिबल डिवाइसेस लिस्ट। तो यहाँ पे Redmi Note 9 सीरीज, Note 9, Note 9S, Note 9 Pro Global, Note 9 Pro India, Note 9 Pro Max, Redmi 9 Global, Redmi 9 Prime India, Poco M2, Poco M2 Pro, Mi Note 10 और Mi Note 10 Lite। तो यहाँ पे इन डिवाइसेस में MIUI 14 के अपडेट्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अब आपको ऐसा लगता है कि एलिजिबल डिवाइसेस में कोई और, यानी कि कुछ और डिवाइसेस ऐड होनी चाहिए, तो कमेंट में ज़रूर बता देना। तो यहाँ पे बस मेरे हिसाब से यही डिवाइसेज हैं जिनमें MIUI 14 के अपडेट्स देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पे अगर अपकमिंग डेज में कुछ और नई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं इस वाली साइट को अपडेट कर दूंगा। तो इस वाली साइट पे भी स्टे ट्यून्ड रहना और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले वहीं पर ही शेयर होती है। फिर आप कहते हो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए मेरा टेलीग्राम चैनल। तो फ्रेंड्स, यही थी यहाँ पे छोटी सी इन्फॉर्मेशन MIUI 14 के एलिजिबल डिवाइसेस और इन एलिजिबल डिवाइसेस के लिस्ट के ऊपर। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार हैं तो कमेंट भी करना और सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।